गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर सेकेंड लेक्चर ऑन ग्रुप्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट S. इट हैज़ ओनली टू एलिमेंट्स, वन एंड माइनस वन. तो हमने यहाँ पर एक सेट लिया है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, वन और माइनस वन. और ये जो सेट है, अगर हम इसके ऊपर एडिशन की बात करें तो देखिए, एडिशन इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप सपोज वन और माइनस वन को ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो, और जीरो इस सेट में बिलोंग नहीं करता. सो एडिशन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ओवर हेयर. बट इफ़ वी डिफाइन मल्टीप्लीकेशन हेयर, तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर एक बाइनरी ऑपरेशन है. और ये ग्रुप की बाकी सभी प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए हम यहाँ पर कंपोजिशन टेबल बनाते हैं. कंपोजिशन टेबल कैसे बनानी है आपने, आप इस सेट के एलिमेंट्स को इस तरह से एक टेबल की फॉर्म में लिखेंगे. यहाँ फर्स्ट रो में आप एलिमेंट्स लिखेंगे इस सेट के, और सेम एलिमेंट्स को आप यहाँ पर कॉलम में भी लिखेंगे. और यहाँ पर आप लिख लीजिए ऑपरेशन जिसके अंडर ये चेक करना है कि ये सेट ग्रुप बना रहा है या नहीं बना रहा. अब आप क्या कीजिए, इस कॉलम के हर एक एलिमेंट को रो के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए. वन इंटू वन इज वन, वन इंटू माइनस वन इज माइनस वन, माइनस वन इंटू वन इज वन, एंड माइनस वन इंटू माइनस वन इज वन. सो नाउ दिस इज योर कंपोजिशन टेबल. अब ये जो एलिमेंट्स आए हैं, ये एलिमेंट्स कैसे आए हैं, एस के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से आए हैं. और ये एलिमेंट कोई नया एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ किसके एलिमेंट हैं, एस के एलिमेंट्स. तो जब हमने एस के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्टिंग एलिमेंट्स आए हैं वो एस में ही बिलोंग करते हैं. सो दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ओवर हेयर, एस इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन. नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी की. अब आप देखिए कि ये जो सेट है ये इंटीजर्स का एक सबसेट है, और इंटीजर्स का सेट अंडर मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. और अगर एक बिगर सेट एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करता है तो उसका हर एक सबसेट भी एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करेगा. क्यों, अगर सबसेट में एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई नहीं होती तो आपको ऐसे एलिमेंट्स मिल गए जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे. जब वो सबसेट में है तो वो सेट के कॉरस्पॉन्डिंग भी तो वो एलिमेंट है. तो अगर एक सबसेट एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो उसका बड़ा सेट, सुपर सेट भी एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा. तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर इंटीजर्स का सेट एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका ये सबसेट भी एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करेगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं अब आइडेंटिटी की. आइडेंटिटी को आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, आइडेंटिटी आपने इस टेबल से कैसे फाइंड आउट करनी है. बहुत आसान है. देखिए, आप क्या करिए कि जो ये ऊपर हमने रो लिखी है, हमारी जो टाइटल रो है, ये इस टेबल में देखिए क्या सेम एग्जैक्टली रो ऐसी आ रही है. देखिए, फर्स्ट रो जो है वो इस रो के साथ एग्जैक्टली मैच कर रही है. इसी तरह से आप कॉलम में भी ढूंढिए कि कौन सा कॉलम इस हमारे इस साइड वाले कॉलम के साथ एग्जैक्टली सेम है. ये वाला कॉलम देखिए, वन माइनस वन, वन माइनस वन, दीज आर सेम. तो आपकी ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये साइड वाले रो और अपर रो, साइड वाले कॉलम और अपर रो के एग्जैक्टली सेम है. तो ये रो और ये कॉलम कौन से एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग बने हैं, इन एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग. तो पहली बात तो ये दोनों एलिमेंट्स आपके सेम होने चाहिए. ठीक है, अब ये एलिमेंट भी आपका वन है, ये एलिमेंट भी वन है. तो मतलब क्या हुआ कि जब हम इस एलिमेंट को, इन इस रो के एलिमेंट्स को वन से लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एलिमेंट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. और इसी तरह से जब हम इस कॉलम के एलिमेंट्स को इस एलिमेंट से राइट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वन इंटू वन, माइनस वन इंटू वन, तो भी इस कॉलम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब इस सेट के एलिमेंट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. तो हमने बताया था ना कि आइडेंटिटी को चाहे आप राइट से मल्टीप्लाई करें चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट आपका सेम आना चाहिए. तो ये वन को हमने चाहे राइट से मल्टीप्लाई किया चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, तो ये रो और ये कॉलम आपका एग्जैक्टली सेम आ रहा है, एस के एलिमेंट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. तो ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट इस सेट के लिए अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या है, आइडेंटिटी. ठीक है, सो दिस इज़ द आइडेंटिटी ऑफ दिस सेट अंडर मल्टीप्लीकेशन. अब हम बात करते हैं इनवर्स की. तो इनवर्स के लिए आपको पता है कि इसका इनवर्स क्या होगा, कि वन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए. आइडेंटिटी क्या है, वन. तो आप क्या करें, यहाँ पे आप वन ढूंढ लीजिए इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, और इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आप वन ढूंढ लीजिए. तो यहाँ पे देखिए, ये एलिमेंट आपका आया, वन को किससे मल्टीप्लाई करने पर वन आ रहा है, वन को वन से मल्टीप्लाई करने पर वन आ रहा है. चाहे आप इस रो के एलिमेंट को यहाँ वन इंटू वन करें या ऐसे वन इंटू वन करें, दोनों तरफ से रिजल्ट आपका क्या आएगा, सेम आएगा, वन. इसी तरह से माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या आ रहा है,
वन, ये वन कहाँ पर है, जहाँ पर माइनस वन और माइनस वन की मल्टीप्लीकेशन हो रही है. सो वन इज इनवर्स ऑफ इट सेल्फ एंड माइनस वन इज इनवर्स ऑफ इट सेल्फ. तो इस सेट में दो एलिमेंट हैं, क्लोजर सेटिस्फाई करता है, ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, वन इस ग्रुप की आइडेंटिटी है, और वन खुद का इन्वर्स है और माइनस वन भी खुद का इन्वर्स है. तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है. और ये जो सेट है अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इट सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटिविटी. सो दिस बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप. नाउ नेक्स्ट वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सेट एस डैश विच कंटेन्स एलिमेंट्स वन माइनस वन आयोटा एंड माइनस आयोटा. अगेन वी डिफाइन मल्टीप्लीकेशन ऑन इट. अब इस सेट को भी हम चेक करते हैं कि ये ग्रुप बनाता है कि नहीं, और उसके लिए हम क्या बनाएंगे, कंपोजिशन टेबल बनाते हैं. तो ये एलिमेंट हमने लिख लिए वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा, एंड हेयर ऑल्सो इन द कॉलम वन माइनस वन आयोटा एंड माइनस आयोटा. और इसके ऊपर हम क्या ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन. तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए एलिमेंट्स को, वन इंटू वन, वन इंटू माइनस वन, वन इंटू आयोटा, वन इंटू माइनस आयोटा, देन माइनस वन इंटू वन, वन माइनस वन, देन प्लस वन, देन माइनस आयोटा, देन आयोटा. अब आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे इन चारों एलिमेंट से, आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा स्केयर इज माइनस वन, एंड देन माइनस आयोटा स्केयर बिकम्स वन, देन वी मल्टीप्लाई विद माइनस आयोटा. सो दिस बिकम्स माइनस आयोटा, आयोटा वन एंड माइनस वन. तो इस तरह से देखिए कि जब हम एस डैश के एलिमेंट्स को आपस में किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपके पास कंपोजिशन टेबल में ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, एंड दीज आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस डैश. ये सभी किसके एलिमेंट हैं, एस डैश के. सो इट सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी हेयर. ठीक है, सो मल्टीप्लीकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ओवर दिस सेट एस डैश. अब आप देखिए कि ये जो सेट है एस डैश, ये सेट किसका सबसेट है, इट इज अ सेट ऑफ, इट इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट है वो अंडर मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. तो ये सबसेट जो है वो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा. नेक्स्ट वी कम टू द आइडेंटिटी. अब आपने ढूंढना है आइडेंटिटी क्या है इसमें. आइडेंटिटी के लिए मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी रो या कॉलम यहाँ ढूंढिए जो आपकी टाइटल रो, और यहाँ पर ऐसा कॉलम ढूंढिए जो आपके साइड कॉलम के सेम हो, एग्जैक्टली सेम हो. जैसे यहाँ पर रो है वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा, तो फर्स्ट रो यहाँ देखिए वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा सेम है. इसी तरह से ये फर्स्ट जो कॉलम है आपका वो साइड वाले कॉलम के साथ सेम मैच कर रहा है, वन माइनस वन आयोटा एंड माइनस आयोटा. तो इस रो के कॉरस्पॉन्डिंग और इस कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग और इस रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं आपके, वन और वन. ठीक है, तो इस रो को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, वन से, और इस कॉलम को यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वन से. तो दोनों एलिमेंट सेम है. ये एलिमेंट इस ग्रुप के लिए, इस सेट के लिए क्या बनेगा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. सो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पर क्या है, वन, वन इस सेट में बिलोंग कर रहा है. अब हम बात करते हैं इनवर्स की. तो इनवर्स के लिए आप क्या करेंगे, आप हर एक रो में आइडेंटिटी को सर्च कर लीजिए. जैसे यहाँ पर आइडेंटिटी क्या है, वन, यहाँ पर आइडेंटिटी क्या है, वन, यहाँ आइडेंटिटी क्या है, वन, और यहाँ आइडेंटिटी क्या है, वन. तो ये एलिमेंट जो है वो कैसे बन रहा है, किन किन एलिमेंट्स के मल्टीप्लीकेशन से बन रहा है. ये वन बन रहा है वन और वन के मल्टीप्लीकेशन से, दैट मीन्स वन एंड वन दे आर इनवर्सेज ऑफ ईच अदर. ये एलिमेंट बन रहा है माइनस वन और माइनस वन के मल्टीप्लीकेशन से. सो माइनस वन एंड माइनस वन सेम एलिमेंट है, सो हम कह सकते हैं माइनस वन इज इनवर्स ऑफ इट सेल्फ. देन दिस इज आयोटा, और ये माइनस आयोटा जब मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे क्या आ रहा है, वन आ रहा है. और यहाँ पे भी आप देखिए माइनस आयोटा और आयोटा से मल्टीप्लाई होने पे क्या आ रहा है, वन आ रहा है. सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आयोटा एंड माइनस आयोटा आर इनवर्सेज ऑफ ईच अदर. आयोटा इज इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा, माइनस आयोटा इज इनवर्स ऑफ आयोटा. सो आयोटा एंड माइनस आयोटा आर इनवर्सेज ऑफ ईच अदर. तो इस ग्रुप में चार एलिमेंट है, वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा. आइडेंटिटी क्या है, वन, वन का इनवर्स वन खुद, माइनस वन का इनवर्स माइनस वन खुद, आयोटा एंड माइनस आयोटा दीज टू आर इनवर्सेज ऑफ ईच अदर. ठीक है, और आप एक बात और यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि ग्रुप के अंदर जो भी आइडेंटिटी होगी वो हमेशा खुद का इनवर्स होगी. आइडेंटिटी इज ऑलवेज इनवर्स ऑफ इट्स सेल्फ. ठीक है, कोई भी ग्रुप हो उसमें आइडेंटिटी हमेशा खुद का इनवर्स होगा. ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो सेट है, ये सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट का सबसेट. और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में क्योंकि कॉम्यूटेटिविटी है तो उसके सबसेट में भी कॉम्यूटेटिविटी होगी. और हम यहाँ इस टेबल से भी देख सकते हैं कि अगर आप इस रो को वन से
यहाँ से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है, 1 - 1 iota - iota। और इसी तरह से अगर आप इस कॉलम को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है, 1 - 1 iota - iota। तो कॉरस्पॉन्डिंगली ये रो और ये कॉलम, इसी तरह से सेकेंड एलिमेंट के लिए रो का और कॉलम का, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो आपकी रो आ रही है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो आपकी कॉलम आ रही है, सो दीज आर एग्जैक्टली सेम। तो आप इस रो में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ या इस कॉलम में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ किसी भी एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, दोनों सेम पोजिशन के एलिमेंट्स की रो या कॉलम जब आप चेक कर रहे हैं तो वह क्या आ रही है, एग्जैक्टली सेम आ रही हैं। तो इसका मतलब ये सेट क्या है, कॉम्यूटेटिव है। तो आप एलिमेंट को चाहे राइट में मल्टीप्लाई करो चाहे लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो, एलिमेंट आपका उनका जो रिजल्ट है वो आपका सेम आ रहा है। सो दिस वे यू कैन से दैट दिस सेट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। जैसे ये मैंने बात करी, इस सेट में दो एलिमेंट्स हैं, तो हम कहते हैं कि इस सेट में दो एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, 2। ऑर्डर ऑफ दिस सेट एस विच इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज 2। सो वट 2, सो वट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप? ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अगर वो सेट इनफाइनाइट है देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इनफाइनाइट, और अगर सेट फाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज फाइनाइट। लाइक इसमें अगर हम बात करें एस डैश में, सो एस डैश जो ग्रुप है इसका ऑर्डर क्या है, 4। ठीक है, अब आप देखिए कि ये बेसिकली है क्या। सो दिस इज 1 - 1 का मतलब क्या है कि अगर आप सपोज ये इक्वेशन लिखते हैं x इज इक्वल टू 1 की पावर 1 बाय 2, 1 की पावर 1 बाय 2 मतलब स्केयर रूट ऑफ 1, स्केयर रूट ऑफ यूनिटी। तो स्केयर रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी 1 और -1। तो ये जो सेट है, दिस सेट इज कंटेनिंग स्केयर रूट्स ऑफ यूनिटी। एंड वट डज दिस सेट कंटेन, ये सेट क्या कंटेन कर रहा है, अगर आप सपोज ये इक्वेशन लिखते हैं x इज इक्वल टू 1 की पावर 1 बाय 4, इसको आप लिख सकते हैं x की पावर 4 - 1 = 0, इसको आप सॉल्व कीजिए x² - 1 x² + 1 = 0। तो यहाँ से रूट्स क्या आएंगे, 1 - 1 iota - iota। सो दिस सेट इज गिविंग यू द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, इसी तरह से हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर सकते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और आप चेक कर सकते हैं कि ये जो सेट है ये भी अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या बनाएगा, एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। तो इस चीज को हम जनरलाइज कर सकते हैं, जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, सो वी कैन राइट nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप। ये क्या करते हैं, एक अबेलियन ग्रुप बनाते हैं अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप जिसके अंदर सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं, तो आप इजीली कह सकते हैं फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो आपको सेट के साथ बाइनरी ऑपरेशन बताना बहुत ज़रूरी है कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। फाइन, नाउ नेक्स्ट वी आर कमिंग टू अनदर एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप, एंड इस टाइम हम बात करेंगे एक मैट्रिसेस के सेट की। तो मैं यहाँ पर एक सेट लेता हूँ M2×2 ओवर द सेट ऑफ इंटीजर्स। इसका मतलब क्या है, पहले तो इस सेट को आप समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है। ये सेट सारे 2×2 मैट्रिसेस को कंटेन करता है, और 2×2 मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, इंटीजर से बिलोंग करेंगे। सो दिस सेट कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ द टाइप 2×2 मैट्रिक्स, और 2×2 मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट हैं जो ABCD से यहाँ मैं डिनोट कर रहा हूँ वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, वो सभी के सभी क्या होंगे, इंटीजर्स। तो ऐसा जो सेट है, अब ये सेट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट, क्योंकि देखिए ABCD के लिए इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबिलिटीज हैं, वो सभी इंटीजर से बिलोंग करते हैं और इंटीजर्स का सेट इनफाइनाइट होता है। तो ये सेट भी क्या है, इनफाइनाइट सेट है, इसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी मैट्रिसेस आप बना सकते हैं ऑफ 2×2 फॉर्म। ठीक है, अब देखिए इस सेट को हम चेक करते हैं कि ये सेट ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता। तो ग्रुप के लिए पहले हमें इसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले ऑपरेशन जो डिफाइन करते हैं यहाँ पे, वो करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, सो अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस चेक कीजिए कि ये सेट ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता। तो देखो सबसे पहले अगर आप कोई भी 2×2 मैट्रिसेस को ऐड करते हो, अगर आपके पास A एक 2×2 मैट्रिक्स है,
बी भी एक 2x2 मैट्रिक्स है, तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद ए प्लस बी जो मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा, 2x2। ठीक है, और देखिए अगर ए और बी के अंदर जो एंट्रीज हैं वो इंटीजर्स में से बिलोंग करेंगी तो उनकी एडिशन के बाद जो एंट्री आएगी वो भी कहाँ बिलोंग करेगी, इंटीजर में ही बिलोंग करेगी। तो अगर ए और बी इस सेट के एलिमेंट हैं, इसको सपोज हम नाम दे देते हैं एस, तो अगर ए और बी एस में बिलोंग करते हैं तो ए प्लस बी जो होगा वो भी कहाँ बिलोंग करेगा, एस में बिलोंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। सो मैट्रिक्स एडिशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। आप कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, ये रिजल्ट आप पहले पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स एडिशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। ए प्लस बी प्लस सी आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर रहे, लेकिन आप अगर पैरेंथेसिस को चेंज करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी इज सेम एज बोथ वेज, दिस रिजल्ट इज सेम फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू द सेट एस। तो इन पर्टिकुलर इस सेट के लिए नहीं, किसी भी मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो पर्टिकुलरली इस सेट के लिए भी अंडर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिटी की। ठीक है, तो अब ए अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है उसमें आप क्या ऐड करें कि वही सेम मैट्रिक्स आए, चाहे आप उसको राइट में ऐड करें या उसको आप लेफ्ट में ऐड करें, तो ऐसा मैट्रिक्स कौन सा है? देखिए जब आप एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बात कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स है तो अगर एक 2x2 मैट्रिक्स है तो उसमें ऐड करने के लिए आपको एक 2x2 मैट्रिक्स चाहिए। और ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है? वो मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। तो इसका मतलब अगर आप ए मैट्रिक्स के अंदर एक 2x2 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो ए मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा। एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी 2x2 मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में अगर आप कोई भी 2x2 मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो उस 2x2 मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए जैसे ये मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूँ ए बी सी डी, इसमें अगर हम जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दें तो क्या आएगा रिजल्ट? ए प्लस जीरो, दैट इज ए, बी प्लस जीरो इज बी, सी प्लस जीरो इज सी, एंड डी प्लस जीरो इज डी। तो इस मैट्रिक्स में जब हमने जीरो मैट्रिक्स ऐड किया तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे किसी भी साइड से आप इसको ऐड कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट मीन्स जीरो मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी हेयर अंडर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब हम बात करते हैं इनवर्स की। अब जैसे यही एग्जांपल आप देखिए ए बी सी डी, इसमें आप क्या ऐड करें कि इस सेट में जो अभी आपने आइडेंटिटी फाइंड आउट की है वो आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, तो ए बी सी डी इस मैट्रिक्स में आप क्या ऐड करें कि आपके पास आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी यहाँ पर क्या है? जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर ये 2x2 मैट्रिक्स है तो यहाँ पर आप ऐड करने के लिए आपको एक 2x2 मैट्रिक्स चाहिए और रिजल्ट क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी। और ये जो एलिमेंट हैं ये एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करने चाहिए? इंटीजर से, क्योंकि आपने लिखा है कि दिस इज़ अ सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ओवर इंटीजर्स। ठीक है, तो अब देखो ए में क्या ऐड करें कि जीरो आ जाए? माइनस ए। बी में क्या ऐड करें? माइनस बी। इसी तरह से तो इस मैट्रिक्स में जब आप इसका नेगेटिव आप इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? जीरो। तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास ए कोई भी एक 2x2 मैट्रिक्स है तो उसमें अगर आप माइनस ए को ऐड कर देंगे तो आपके पास जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, सो वी कैन राइट फॉर दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू द सेट एस। तो हर एक एलिमेंट, अगर आप ए कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं इस सेट एस का तो उसका इनवर्स अंडर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा? माइनस ए। ठीक है, और आपको पता है कि मैट्रिक्स एडिशन जो होती है वो कम्यूटेटिव भी होती है। ए प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी प्लस ए, चाहे कोई भी मैट्रिक्स हो ए और बी। तो इसका मतलब ये जो सेट हमारे पास बना ये सेट किसका एग्जाम्पल हो गया? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है और इनफाइनाइट है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर 2x2 लेना जरूरी नहीं है, इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। यू कैन टेक द सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ एनी ऑर्डर m/n ओवर द सेट ऑफ इंटीजर्स, इट विल फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब इंटीजर्स की बजाय आप रैशनल नंबर्स का सेट भी ले सकते हैं, आप रियल नंबर का सेट भी ले सकते हैं, आप कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सेट ले सकते हैं। सो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल m/n मैट्रिसेस ओवर द सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल m/n मैट्रिसेस ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर,
set of all m by n matrices over the set of complex number. So these are all examples of infinite abelian groups under addition of matrices. ठीक है. So अभी हमने पढ़ा group of matrices under addition of matrices. अब हम matrices के set के ऊपर define करेंगे multiplication of matrices और check करते हैं कि वो group form होता है या नहीं होता. तो मैं यहाँ पर general एक सेट ले रहा हूँ मैट्रिसेस का, सेट ऑफ ऑल m बाय n मैट्रिसेस ओवर द सेट ऑफ इंटीजर्स. ठीक है. अब आप इस सेट में से कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए. दो एलिमेंट कौन से होंगे, मतलब दो मैट्रिक्स ले लीजिए जिनका ऑर्डर क्या है, m बाय n. a एक मैट्रिक्स लिया, इसका ऑर्डर m बाय n है. b दूसरा मैट्रिक्स लिया, इसका ऑर्डर भी m बाय n है. क्या इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? अब देखिए, यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n, और सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है, m. तो अगर ये इक्वल नहीं है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है. तो मल्टीप्लिकेशन a और b की पॉसिबल तभी है जब ये n और ये m आपस में क्या हो, इक्वल हो. और अगर m और n आपस में इक्वल है तो ये जो है सेट कैसा बन जाएगा, इट विल बिकम सेट ऑफ ऑल स्केयर मैट्रिसेस ओवर द सेट ऑफ इंटीजर्स. ठीक है. तो अब मल्टीप्लीकेशन को डिफाइन करने के लिए हमें जो सेट लेना पड़ेगा वो हमें स्केयर मैट्रिसेस का सेट लेना पड़ेगा. जनरल रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का सेट हम मल्टीप्लीकेशन के केस में नहीं ले सकते. सो लेट मी टेक द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर द सेट ऑफ इंटीजर्स. इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ s से. तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल स्केयर मैट्रिसेस ओवर द सेट ऑफ इंटीजर्स ऑफ ऑर्डर n या n बाय n. ठीक है. तो अब इस सेट को आप चेक करें कि अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस ये ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता. पहली बात देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी. अगर ए आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n बाय n है, बी दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n बाय n है, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा a इंटू बी, और इसका ऑर्डर भी क्या होगा, n बाय n. और अगर a और b के मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो इंटीजर्स होंगे तो मल्टीप्लाई होकर जो मैट्रिक्स बनेगा उसके एलिमेंट भी इंटीजर्स ही होंगे. तो ये a इंटू बी इसी सेट में बिलोंग करेगा. a इंटू बी बिलोंग्स टू s फॉर ऑल a b बिलोंगिंग टू s. सो क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड. नेक्स्ट इज एसोसिएटिविटी. नाउ इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव. कोई भी आप मैट्रिसेस ले लीजिए, उनकी मल्टीप्लीकेशन हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है. तो इन पर्टिकुलर इस सेट S के जो एलिमेंट होंगे वो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिटी. अब अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस आइडेंटिटी क्या होगी? तो आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं हम, कि इस सेट S का कोई भी एक एलिमेंट लें. एलिमेंट क्या है यहाँ पे, मैट्रिक्स. तो एक मैट्रिक्स ले लिया, इसका ऑर्डर है n बाय n. तो इसको हम ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस. तो मतलब हम इसको कौन से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि इस मैट्रिक्स पर कोई फर्क ना पड़े. ठीक है. तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसको आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम मैट्रिक्स आता है, ऐसा मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय n. ठीक है. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय n क्या इस सेट में बिलोंग करता है? क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय n, जिसमें डायगोनल एंट्रीज आपकी 1 होती हैं और बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं, 0. तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो आप लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट i बिलोंगिंग टू s सच दैट a into I is equal to a is equal to I into a for all a belonging to S. So ये जो I है जिसका order है n by n, ये इस set के लिए क्या काम करेगी, it will act as identity of this set under multiplication of matrices. Next हम बात करते हैं हर एक element के inverse का. तो अगर आपके पास a कोई भी एक n cross n matrix है तो इसका इन्वर्स अगर आपने निकालना है तो इसका मतलब आपको एक ऐसा मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है जिससे जब आप ए को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आइडेंटिटी आ जाए. और आइडेंटिटी क्या है सेट में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन बाय एन. ठीक है. तो आप देखिए कि आपको पता है कि ए मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आती है, इन्वर्स से. ये रिजल्ट आप लोअर क्लासेस में कर चुके हैं कि ए इंटू ए इन्वर्स इज आइडेंटिटी, ए इन्वर्स इंटू ए इज ऑल्सो आइडेंटिटी. तो ए मैट्रिक्स को जब हम ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी. लेकिन क्या इन्वर्स हर एक स्केयर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है?
नहीं, इनवर्स स्क्वायर एग्जिस्ट करता है सिर्फ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस का, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इस सेट की बात करते हैं, जनरल सेट जिसमें n क्रॉस n मैट्रिसेस हैं ओवर द सेट ऑफ इंटीजर्स, यहाँ पर हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये ग्रुप नहीं बना सकता। लेकिन अगर हम n बाय n नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ले लें ओवर द सेट ऑफ इंटीजर्स, मैं कह देता हूँ कि इसमें सारे जो मैट्रिक्स हैं उनमें किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है, तब अगर हम बात करें तो आपको पता है, देखो ए इनवर्स होता क्या है, ए इनवर्स इज वन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए जो मैट्रिक्स होगा इस सेट का एलिमेंट, उसमें एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, इंटीजर से। जब आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए के हर एक एलिमेंट को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा, जो ए इनवर्स होगा, वो जरूरी नहीं है कि उसके एलिमेंट्स भी इंटीजर के अंदर बिलोंग करें। सो हम कह सकते हैं कि फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू एस, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि देयर एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ ए, ए इनवर्स विच ऑल्सो बिलोंग्स टू एस। तो अगर ए एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है ओवर इंटीजर, ये नॉन सिंगुलर भी है, तब भी इसका इनवर्स इसी सेट में बिलोंग करे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे ए आपके पास मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 2, 3, 1, 7, इसका जब आप इनवर्स निकालेंगे तो इनवर्स में यहाँ पे एलिमेंट आपके फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, तो वो जरूरी नहीं है वो उसके एलिमेंट इंटीजर हो। तो इसका मतलब ए का इनवर्स जो है वो इस एस में बिलोंग करे ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम कहते हैं कि दिस सेट ओवर द सेट ऑफ इंटीजर्स, ये जो है वो एक ग्रुप का एग्जाम्पल नहीं है अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई हो रही है और आइडेंटिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोइड। अब हमें नॉन सिंगुलर की बात करने की ज़रूरत नहीं है। सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन मैट्रिसेस ओवर द सेट ऑफ इंटीजर्स, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोइड ओवर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अब अगर हम सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन मैट्रिसेस ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर अगर हम ले लें और इसमें हम नॉन सिंगुलर की कंडीशन भी लगा दें, तो क्या होगा उस केस में, हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमने किसकी कंडीशन लगा दी, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस की, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस नॉन सिंगुलर एन क्रॉस एन मैट्रिसेस over the set of real number forms a group under multiplication of matrices। तो जैसे हमने अभी यहाँ पर इंटीजर्स के लिए डिस्कस किया, सेम वे आप रियल नंबर के लिए डिस्कस कर सकते हैं, और यहाँ पर हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स भी इसी सेट के अंदर बिलोंग करेगा। सो इट फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स का जो सेट बना, जो ये ग्रुप हुआ अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, क्या ये कॉम्यूटेटिव है या नॉन कॉम्यूटेटिव है? तो आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इन जनरल इज नॉन कॉम्यूटेटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। तो ये हमारा एक पहला एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन अबेलियन या नॉन कॉम्यूटेटिव ग्रुप। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल एन नॉन सिंगुलर एन क्रॉस एन मैट्रिसेस ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर फॉर्म्स अ नॉन अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन अबेलियन ग्रुप। नेक्स्ट वी कम टू एन एग्जाम्पल ऑफ ए फाइनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप। इसमें हम जो एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वार्टरनियन ग्रुप। इस क्वार्टरनियन ग्रुप में हम 8 एलिमेंट्स लेते हैं, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस i, प्लस माइनस j, प्लस माइनस k, और इसके ऊपर हम एक मल्टीप्लीकेशन डिफाइन करते हैं इन्हें स्पेशल वे। जैसे हम i स्केयर इज इक्वल टू j स्केयर इज इक्वल टू k स्केयर, दिस इज इक्वल टू माइनस 1, ij इज इक्वल टू k, jk इज इक्वल टू i, ki इज इक्वल टू j। बट अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें, j इंटू आई इज माइनस k, k इंटू j इज माइनस i, i इंटू k इज माइनस j। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? आप इन i, j और k को एक साइक्लिक ऑर्डर में लिख लीजिए, i, j एंड k। i इंटू j इज
k, j into k is i and k into i is j. लेकिन अगर आप उल्टा चलेंगे j into i is minus k, इसी तरह से k into j is minus i, ठीक है. सो नाउ अब आप देखो हमने इसके लिए एक कंपोजिशन टेबल तैयार किया है यहाँ पर, ठीक है. इन सभी कॉलम के एलिमेंट्स को इन रोज रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लिया, ये कंपोजिशन टेबल तैयार हो गई. अब इस कंपोजिशन टेबल में देखिए जो सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर वो सब एलिमेंट्स इसी सेट के एलिमेंट हैं, तो बाइनरी ऑपरेशन हो गया ये मल्टीप्लीकेशन जो हमने डिफाइन किया. क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है. एसोसिएटिविटी आप ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है, यू हैव टू चेक इट योरसेल्फ कि इस सेट के कोई भी तीन एलिमेंट्स लीजिए उनको आप मल्टीप्लाई कीजिए, पैरेंथेसिस का ऑर्डर आप चेंज कीजिए, रिजल्ट दोनों तरफ से आपका सेम आना चाहिए. तो एसोसिएटिविटी यहाँ पे सेटिस्फाई होती है. नेक्स्ट आइडेंटिटी. तो आइडेंटिटी के लिए आपको बताया था कि कंपोजिशन टेबल में ऐसी रो और ऐसी कॉलम ढूंढिए जो आपके इस टाइटल रो और साइड कॉलम के जैसा सेम हो. तो देखिए फर्स्ट कॉलम इज सेम एज दिस कॉलम एंड फर्स्ट रो इज सेम एज दिस योर टाइटल रो. सो इन दोनों रो और कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से हैं? वन. दोनों एलिमेंट सेम है तो इसका मतलब इसके लिए इस सेट के लिए मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या है? वन. तो वन इस सेट के लिए आइडेंटिटी है अंडर मल्टीप्लीकेशन और वन इस सेट में बिलोंग भी कर रहा है. अब हम बात करते हैं इनवर्स की. तो इनवर्स के लिए आपको बताया था कि हर एक रो में आपने वन मतलब आइडेंटिटी को आपने ढूंढना है, ठीक है. तो ये हम हर रो में हमने आइडेंटिटी फाइंड आउट कर ली थी. तो देखिए या ये वन किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? वन और वन के. तो वन इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ. ये वन कैसे आया? माइनस वन और माइनस वन के मल्टीप्लीकेशन से. तो माइनस वन इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ. ये वन कैसे आया? जब हमने आई और माइनस आई को मल्टीप्लाई किया. सो आई एंड माइनस आई आर इनवर्सिस ऑफ ईच अदर. इसी तरह से आप देख सकते हैं जे एंड माइनस जे आर इनवर्सिस ऑफ ईच अदर एंड के एंड माइनस के आर इनवर्सिस ऑफ ईच अदर. और ये ग्रुप कॉम्यूटेटिव नहीं है. देखिए यहाँ से आपको क्लियर है आई इंटू जे इज के, जे इंटू आई इज माइनस के. सो आई इंटू जे इज नॉट इक्वल टू जे इंटू आई, जे इंटू के इज नॉट इक्वल टू के इंटू जे एंड इसी तरह से के इंटू आई के लिए भी. तो कॉम्यूटेटिव नहीं है. अब कम्यूटेटिविटी अगर आपने कंपोजिशन टेबल से चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे? देखिए कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, सपोज ये जे. जब ये जे इस रो के एलिमेंट्स के लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारी ये आपकी रो आ रही है. और यहाँ पर जो ये जे है, ये जे इस कॉलम के एलिमेंट्स के राइट में जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारा कॉलम आ रहा है. तो क्या ये रो और ये कॉलम आपस में सेम है? देखिए जे माइनस जे माइनस के, जे माइनस जे के माइनस के. तो इसका मतलब ये कॉलम और ये रो आपस में सेम नहीं है. तो इसका मतलब ये ग्रुप कॉम्यूटेटिव नहीं है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप. That's all for today. Thank you very much.